मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। हाँ जी, ये चीज हम देखने वाले हैं। तो पहला तरीका स्प्लिटिंग मिडल टर्म, इसको बोला जाता है गुणनखंड। हिंदी वाले बच्चे गुणनखंड सही लिखा था थोड़ी देर पहले, गुणनखंड। और कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसको बोला जाता है पूर्ण वर्ग। थोड़ा सा प्रॉब्लम है हिंदी में, तो देख लीजिएगा। और ये श्रीद्राचार्य, अच्छा ये जो मेथड आया था आपका श्रीद्राचार्य मेथड ही है, ये आपका जो मेथड आया था ये श्रीद्राचार्य ही है। ये आपका कौन सा है? श्रीद्राचार्य मेथड ही है। तो श्रीद्राचार्य मेथड आपने देख लिया है। तो इंग्लिश वालों का भी यही नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इंग्लिश में लिख सकते हो। बस सिर्फ इसकी कुछ खासियत है वो बताता हूँ मैं आपको, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। 10th क्लास में देख के आए ये सारे चीज़ें, तीनों मेथड हम देख के आए हैं। इसकी कुछ खासियत है, वो खासियत हम शेयर करते हैं आपसे। खासियत ये है कि थोड़ी देर पहले हमने डिफाइन किया था कि एक्स के दो रूट होते हैं, जिसको एक को बोलते हैं कि -b+√d/2a, और दूसरे को बोला जाता है -b−√d/2a। तो दुनिया वाले इसको क्या बोलते हैं कि भाई ये एक रूट है जिसको हम अल्फा बोल सकते हैं, ये दूसरा रूट है जिसको हम बीटा बोल सकते हैं। इंटरचेंज भी हो सकता है, कोई बड़ी समस्या नहीं है इसमें। ये दो वो वैल्यू है जिसको रखने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। ये वो इक्वेशन है, सॉरी ये वो वैल्यू है जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। लिख लीजिएगा, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ये वो वैल्यू है जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो और एक चीज और लिख लेते हैं, यहाँ यहाँ लिख लीजिएगा आप ऊपर, हियर अल्फा बीटा, यही चीज मैं लिखा रहा हूं, आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैंने बार बार बोलता हूँ कि अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं।